हेलो गाइस, हाउ टू लुक हिडन फोटोज इन आईफोन 6, 5s एंड 6 प्लस। जी हां दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया होगा आईफोन 12, 11 जितने भी डिवाइसेस हैं गाइस, वहां पे जो है हिडन फोल्डर होता है आपका फोटोज का, वहां पे वो लॉक लगा होता है। देखो गाइस, यहां पे लॉक लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से गाइस, आप जो है कैसे अपने लोअर आईफोन्स में, आईफोन 5s की बात करें, 6, 7, 8, यदि इनमें गाइस आपको जो लॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो कैसे गाइस आपको जो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन इनेबल करना है या फिर एक्टिवेट करना है। तो चलो गाइस, यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं, यदि गाइस आप भी जो है अपने हिडन फोटोज़ को जो है लॉक लगाना चाहते हैं। वैसे गाइस हिडन फोटोज़ लॉक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप कोई फोटो को हिडन सेक्शन में भेजते हैं और डायरेक्टली गाइस यहाँ पे हिडन में जाके अगर उस पर लॉक नहीं लगाया, तो आपकी गाइस सिक्योरिटी या फिर गाइस प्राइवेसी कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों आपने हाइड किए फोटो, तो उस पर लॉक भी नेसेसरी है। अदरवाइज गाइस कोई भी पर्सन आएगा आपकी फोटोज को, जस्ट वहां पे स्क्रॉल डाउन करेगा एंड देन गाइस आपकी जो फोटो इजीली एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। बट गाइस यदि आप जो लॉक लगा देते हैं अपने फोटोज को, हिडन फोटोज को, तो गाइस वहां पे कुछ जो है हम कहते हैं कि सिक्योरिटी लगी हुई है। देखो गाइस, यहां पे हमारे पास आईफोन 6 है और यहां पे अगर फोटोज में जाते तो गाइस हमारा जो हिडन है फोल्डर वो देख लो गाइस, यहां पे कोई भी लॉक नहीं लगा। अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल यहां से कोई मैं फोटो को जो है हिडन फोल्डर में जो है सेंड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस फोटो को जो है हिडन फोल्डर में लेके जाता हूं, तो गाइस देख लो यहां पे जाएगी फोटो और देख लो गाइस यहां पे आ रहा है हाइट। ठीक है, तो हाइट पे मैंने क्लिक किया और ये हाइट जा रही फोटो। ठीक है, हाइट पे जाने के बाद दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये फोटो जो है कहीं पे भी गाइस यहां पे लॉक नहीं लगा हुआ। देख लो गाइस यहां पे लॉक नहीं लगा हुआ है, तो कैसे गाइस आपको जो है लॉक लगाना है। देख लो गाइस यहां पे हमारी जो फोटो है, कोई भी पर्सन आते हैं और वो इजीली गाइस देख सकता है कुछ इस तरीके से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि गाइस आप भी लॉक लगाना चाहते हैं अपने फोटोज पे, हिडन फोटोज पे, तो कैसे जो है अपने किसी भी आईफोन में, बेसिकली ये जो फीचर है आपको आईफोन 5s, 6 और 6 प्लस के डिवाइस में आई थिंक नहीं देखने को मिलता है, बट स्टिल गाइस मैं आपको बताऊंगा फिर भी आप कैसे इस चीज़ को लगा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यही नहीं गाइस, आप जो सेम चीज़ आईफोन 7, 8 यदि आपको फीचर नहीं देखने को मिलता है, तब भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले छोटा सा काम जरूर करते हैं, यदि आप मेरी वीडियो पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है गाइस कहीं चैनल मैं जो इस चैनल पर आप सभी के लिए रेगुलर बेस का वीडियो सपोर्ट करता रहता हूँ एंड यूजफुल वीडियोस लेके आता हूँ, ताकि आपके लिए गाइस यहाँ पे जो है अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे एंड गाइस घर बैठे आप जो सोल्यूशन निकाल सकें अपने आईफोन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इसको एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गाइस जैसे कि आपके पास, हमारे पास आईफोन 6 ले लेते हैं, ये वाला डिवाइस ले लिया हमने आईफोन 6s, और यहाँ पे आपको गाइस क्या करना है, देखो हमारे पास ये फोटो है, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी फोटो को, इस फोटो को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। चलो गाइस मैं इसी फोटो को हाइड कर देता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देख लो गाइस यहाँ पे हमारी जो फोटो है हाइड हो चुकी है। हाइड हो जाने के बाद आप सभी देख लो गाइस ये जो फोटो है हमारी यहाँ पे चली जाती है एंड गाइस यहाँ पे जो है हिडन का फोल्डर ही शो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कैसे आपको इस चीज़ को करना है। फॉर एग्जांपल आप जो फोटोज़ को हाइड करना चाहते हो, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी क्या करें, लॉक लगाना चाहते हो, ठीक है, हिडन फोटोज़ पे लॉक लगाना चाहते हो, तो आपको सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फोटोज़ देखने को मिल जाता है, फोटोज़ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिडन एल्बम। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको ऑफ ही कर दिया, इसको इनेबल कर देंगे तो गाइस आपका जो यहाँ पे हिडन फोटोज जो है देखने को मिल जाती है। देख लो गाइस हमारी फोटो यहाँ पे दिख रही है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक फोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको कुछ तरीके से, तो ये वाली फोटो गाइस मैं सबसे पहले हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ सही से मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके लिए। गाइस यहाँ पे कितनी ज़्यादा यूजफुल वीडियो लेके आऊँ मैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ आप सभी के सामने। हाइट पे क्लिक करूंगा दोस्तों, हाइट हो गई हमारी फोटो। आप गाइस क्या करोगे, आप जैसे कि कोई भी पर्सन आता है आपका फोन लेता है अपने हाथ में एंड जैसे ही आप जाएगा तो आप देख लो हिडन फोल्डर में गाइस हमारी दो फोटोज देखने को मिलने। अब गाइस मैं कहूँ इन पे कैसे लॉक लगाऊं, तो मैं लॉक लगाने के लिए गाइस क्या करूंगा, नॉर्मली सेटिंग्स पे जाऊंगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे फोटोज, तो देख लो यहाँ पे फोटोज आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है हिडन एल्बम। यदि गाइस आप जो इसको टर्न ऑफ कर देंगे तो आपका जो हिडन एल्बम है वही गाइस यहाँ से हाइड हो जाएगा। देखो गाइस कितनी अच्छी चीज मैंने आपको बताई है, कोई भी पर्सन आपकी यहाँ पे फोटोज नहीं देख पाएगा जो आपने हाइड किया। और यदि गाइस आप देखना चाहते हो तो गाइस इसको फिर से यहाँ पे इनेबल कर दो एंड गाइस आप जो है एक क्लिक के अंदर अपना जो है दोबारा से अनहाइड कर सकते हो, फोटोज को लॉक करा के जो है देख सकते हो। तो इस हालांकि यहाँ पे लॉक नहीं लग पाया, बट गाइस लॉक से भी बेटर है। कैसे, देखो यहाँ पे कोई भी फोटो आप हिडन फोल्डर में सेंड कर दो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्या करो, इसको टर्न ऑफ कर दो, ताकि कोई भी पर्सन आए आपका फोन लेता है तो उसको हिडन का फोल्डर ही ना दिखे। और जब आप चाहो तब आप उन फोटो को एक्सेस करने के लिए आप नॉर्मली हिडन एल्बम्स पे जाओ और हिडन एल्बम्स पे जाने के बाद इसको इनेबल कर दो एंड देन गाइस आप जो इजीली अपनी फोटोज को देख सकते हो। तो कितनी गाइस यहाँ पे अच्छी चीज मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी, इस तरीके से आप गाइस यहाँ पे हिडन फोटोज को लॉक लगा सकते हैं एंड इसी तरीके की गाइस यहाँ पे यूजफुल वीडियोस पाने के लिए प्लीज आप मेक श्योर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चैनल जो है सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स पर ही डेडिकेटेड है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।